गांव की सरकार बनाने को लेकर जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, लेकिन नतीजे आने से पहले पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, जिसमें पार्टी विकास के लिए किए गए कामों और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं को आधार मान रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस राज से खुश है, राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। क्योंकि पंचायत राज के चुनाव हैं, जो ढाई साल में कोरोना काल को लेकर के या जो बजट को लेकर के जो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आम जनता में है, मैं समझता हूँ कांग्रेस निश्चित रूप से पंचायत राज चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ ढाई साल में विपक्ष की तौर के ऊपर कुछ किया ही नहीं, आपस में लड़ते रहे, मुख्यमंत्री के असीन सपने देखते रहे, आपस में लड़ाई लड़ते रहे। पंचायत चुनाव के उत्सव में जनता ने बखूबी जश्न मनाया और अपनी पसंद के प्रत्याशियों को वोट भी डाल दिए। हालांकि जनादेश 4 सितंबर को ईवीएम से बाहर निकलेगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा भी जीत के दावे करने में पीछे नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों को जीरो करार दिया है और इसी को भाजपा की जीत का बड़ा आधार माना है, लेकिन इस बीच सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया। पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि चुनाव की पवित्रता को नष्ट कर दिया। बूथों ने भविष्यतः इस प्रकार की प्रशासनिक दखलंदाजी गांव की सरकार बनाने में मैंने पहले नहीं देखी। इन सारे हथकंडों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इन 6 जिलों के अंदर बहुमत के साथ अपने अधिकांश पंचायत समिति और जिला परिषदें बनाएगी। भाजपा और कांग्रेस 6 जिलों में बढ़त बनाने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टियों ने बाड़ाबंदी की है, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं पार्टी आला नेताओं के दिल में संशय जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, हमने एक दिन पहले भी बताया था कि मतदान संपन्न हो गया है, 6 जिलों की ग्राम पंचायत
माफ करेगा, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह आ रहा है कि हमने बाड़ेबंदी को लेकर के भी चर्चा की, अब दोनों तरफ से और आरएलपी भी अपना दावा ठोक रही है कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे कई जगह पर। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने देश में जो एक विश्वास जगह है लोगों में, उसके बदौलत भाजपा को वोट मिलेंगे। उधर कांग्रेस कह रहे हैं कि चिरंजीव योजना सहित कोविड मैनेजमेंट जो रहा राजस्थान के मुख्यमंत्री का, उसके आधार पर वोट मिलेंगे। वोट मिलेंगे जीत का दावा भी है, लेकिन अंदर से भरोसा जरूर टूट रहा है। और भरोसा टूटने की वजह क्या है? कभी कहा जाता है कि होर्स ट्रेडिंग का डर है, बीजेपी के पास में पैसे हैं, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि सरकार इनकी है, हमें डर है कि अपनी सरकार के संसाधनों का कहीं सदुपयोग ना कर लें, इस तरह की बातें निकल के आती हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हैं, हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, राजेंद्र मीना जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम रोड बनाएंगे। एक बहुत रोचक बात लगी मुझे यहाँ पे, एक नेता का बयान मैं कोट भी करना चाहूंगा यहाँ पे। उनसे जब हमने पूछा कि रिजल्ट की क्या पोजीशन रहेगी, बोलो रिजल्ट जो भी रहे लेकिन बोर्ड हमारा बनेगा। बड़ी चौंकाने वाली बात है, बोर्ड कैसे बनेगा आपका, कि देखिए आप रिजल्ट का इंतजार करिए, दोनों तरफ से ही। फिर दूसरे नेता से हमने बात की कि बोर्ड हमारा बनेगा, तो बोर्ड बनने का आधार क्या है? अभी ये भरोसा नहीं कि कितने लोग जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और अगर भरोसा होता तो बाड़ेबंदी क्यों होती? तो मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये भरोसा राजनीतिक दलों का क्यों टूट रहा है और दावा किस बात का है फिर? देखिए, जो भी सत्ता में पार्टी होती है वो ये चाहती है कि न केवल हम स्थानीय बल्कि पंचायत चुनावों में भी साथ रहें, क्योंकि विचारधारा की बात और विकास को गांव तक और शहर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अगर समान पार्टी की सत्ता अगर रहती है तो तीनों इकाइयों में, तीनों त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वहां तक मतलब मैसेज वो जाना चाहिए कि कहीं कहीं पे भी गतिरोध नहीं है। क्या है कि पार्टी अपने नीतियों को लेकर के, घोषणाओं को लेकर या अपने कार्य व्यवहार को लेकर अलग अलग पार्टी अपनी अलग अलग तरह के व्यवहार करती है, उससे क्या है कि विकास होना चाहिए वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। मैं आ रहा सर आपके पास वापस आ रहा हूँ। राजेंद्र मीना जी, आपके यहाँ से बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। अच्छा, यहाँ से जो डिस्टर्ब आ रहा है उसी की वजह से खरखराट जो हो रहा है उसके कारण दर्शकों तक अपनी बात नहीं पहुंच पा रही है। मैं महेश जी को कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी महेश जी। जी, तो ये जो इस तरह की है कि सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है कि सभी स्तर पे हमारे समर्थक या हमारी पार्टी के जो लोग बाग हों वो ही सत्ता में आए, ताकि जिससे कार्य करने में सहूलियत है और जो वो घोषणाएं करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको सहायता मिले। और विपक्ष की कोशिश ये रहती है कि सरकार को ये बताने की कि वो जो जो आप जो नीतियां जो लागू कर रहे हैं उसे वो कहीं कहीं वो दोष ढूंढ रहे हैं, वो पूरा नहीं करती है, और हमारा जो नीति है, हमारी ये घोषणा पत्र है, हम उसके अनुसार विकास करना चाहते हैं, तो वो तालमेल बिगड़ जाता है, विसंगति बढ़ जाती है, लिहाजा विकास अवरुद्ध हो जाता है और आम जनता उसे नहीं कर पाती, वो विकास से परे हो जाती है। बिल्कुल। आर्य साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी का दावा है कि बोर्ड बनाएंगे, कितने लोग जीतेंगे ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड तभी बनता है जब आपके पक्ष में उम्मीदवार होंगे। बीजेपी आपके आरोप लगाती है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग पहले दिन से कर रही है, और दूसरी तरफ एक आधार जो होता है कि हाँ बिल्कुल हमारा यह आधार है, इस आधार पर हम बोर्ड बना सकते हैं और वोट इस आधार पर मिले होंगे। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो तीनों चरणों के, ये 6 दिनों के पंचायत राज के जो चुनाव हो गए हैं और जो मतलब पूरे देश के अंदर पंचायतों की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। लोकतांत्रिक जो हमारी जो प्राथमिक इकाई है, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक का जो हमारा लोकतंत्र का सफर है, वो कांग्रेस की अगुवाई में ही शुरू हुआ इस देश में। इस बात के लिए पूरे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मतदान के लिए बधाई।
शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ और उसके साथ हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अच्छे कार्य किए हैं, तो ढाई साल के अंदर सुशासन जो दिया है, ताकि मतलब चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, तमाम तरीके की जो बातें हैं उसमें सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। और सरकार के जो कामों को, अच्छाइयों को जो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात है, पंचायत राज चुनाव के माध्यम से जो प्रतिनिधि जीत कर आएंगे और वो जो नुमाइंदगी करेंगे अपने क्षेत्रों की, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे सभी जगह पे हमारे मतलब प्रमुख प्रधान जीतेंगे और राजस्थान सरकार को और मजबूती देंगे। ग्रामीण क्षेत्र की अंदर जो काम रुके हुए हैं, जो मतलब गतिरोध है या जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व जैसे अभी पुराने निवर्तमान जो है वो सब जीतकर जब आएंगे तो एक मजबूत ग्रामीण विकास की अवधारणा साकार होगी और इन जिलों का जो विकास होगा और तेजी से विकास होगा और सरकार पूरी तरीके से अपने पंचायती राज के या जो ग्रामीण विकास के जो एजेंडा को उसको पूर्ण मूर्त रूप से लागू करेगी। जी बिल्कुल, मेरा लेकिन जो सवाल है कि आप पे एक आरोप लग रहा है, आरोप बीजेपी की ओर से लगता है, कितनी सच्चाई है ये तो आप बताएंगे। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं ये इनकी हताशा है, मतलब जो मतदान पूर्ण हो चुका है 1 तारीख को और हताशा के अंदर ये बयानबाजी कर रहे हैं और अपने जो जो चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी उनको किसी को यूपी में भेज दिया, किसी को गुजरात में भेज दिया, तो ये इनको हताशा है, इनको डर लग रहा है, बिखराव की स्थिति है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाजपा पूरी तरीके से घबराई हुई है, अब ये क्या है कि ये संगठन इनका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि साथ सरकारी, अरे भाई सरकारी मशीनरी का किसी भी तरीके का कांग्रेस शासन में दुरुपयोग नहीं होता है, इस बात का शुरू से आज 70 सालों से देश के अंदर, 75 सालों से देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की रहनुमाई में सारी चीजें हम लोग अपने प्रशासन और उसको चुस्त और दुरुस्त तरीके से काम करें, हमारी यही अपेक्षा रहती है। हमारी सरकार कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती, आपने देखा होगा केंद्र सरकार तमाम संवैधानिक संस्थानों का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विपक्षी नेताओं के विरुद्ध करती है, जिस तरीके के परिणाम पूरा देश देख ही रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, भाजपा का हताशा है और ये हताशा आर की हताशा है, इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। चलिए, लेकिन मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि सत्ता पक्ष में जो होता है थोड़ा डिफेंसिव होता है और जो विपक्ष में होता है एग्रेसिव होता है, वो हमला कर सकता है, आपको हमले से बचना है और रिजल्ट देखना होगा, लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। यहाँ एक मैं बात और कहना चाहूंगा, पहली बार ऐसा नहीं, क्या होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, ये तो जब नतीजे सामने आएंगे तभी कह पाऊंगा मैं, लेकिन राजस्थान का इतिहास बहुत ही रोचक है और अगर उसे देखते हुए अगर हम बात करें तो पाड़ेबंदी लाजमी है, मैं उचित नहीं मानता लेकिन लाजमी, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे ध्यान है कि अलवर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिला परिषद के 10 जिला परिषद सदस्यों का अंतर था, 10 का, लेकिन वोट किसका बना? कांग्रेस का। सत्ता किसकी थी? बीजेपी की। तो ये लोकतंत्र है और इसमें दल बदल पंचायत राज में बिल्कुल लागू नहीं होता, लोकल बॉडीज में लागू नहीं होता, इसी वजह से बिल्कुल मस्त होते हैं सब कि कहां वोट डलेगा। बाड़ेबंदी हुई उस वक्त भी, लेकिन बाड़ेबंदी के बावजूद भी सेंध मार दी गई उसमें और यही हुआ। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस हैं, कई बार ऐसा होता है बीजेपी के विष्णु लाटा कांग्रेस के साथियों ले उड़े और वहां पे उन्होंने बोर्ड बना दिया, जयपुर के मेयर बन गए, बीजेपी ने नहीं बनाया, उनकी इच्छा थी मैं मेयर बनूं लेकिन कांग्रेस के सहयोग से बन गए। और भी रोचक बात सुनिए, डूंगरपुर में जिला प्रमुख बना, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा सीट वहां पे ट्राइबल पार्टी जो है उसके पास में, टीबीपी के पास में थी, लेकिन हुआ क्या, दोनों ने गठबंधन करके वहां जिला प्रमुख बना दिया। तो लोकतंत्र में एक बड़ी ये चीजें, आइडियोलॉजी नहीं है कहीं पे भी, कोई मायने भी नहीं रखती है, या अवसर इंपॉर्टेंट आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रह गोचर किसके चल रहे हैं, उस दिन क्या परिस्थितियां बनेंगी उसी का वोट बनेगा। अभी हालात एकदम बदल चुके हैं। राजेंद्र मीना साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ राजेंद्र साहब। हाँ सुन रहा हूँ। दो बातें जानना चाहूंगा, दो बातें। एक तो आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, क्या आधार है? दूसरा, आप लोग बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं कि बोर्ड हमारा बनेगा, उसका आधार क्या है? देखो, सरकार के खिलाफ जनता, बिल्कुल सरकार के खिलाफ है कि जनता के पक्ष में कोई काम हो नहीं रहे, विकास के काम कोई हो नहीं रहे, किसानों की समस्याएं आज यूं की तो ही है, किसानों के जिन्होंने कहा कि कर्जे माफ कर देंगे वो कर्जे माफ किए नहीं, और जो पूर्व में जो आप जो चुनाव हुए इनमें पूरी इन्होंने अपनी
पूरी जो तानाशाही की है एक तरह से, जो उन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया है, चाहे वो सर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ प्रशासन नदवई के जो बात है कैसे किया। योगेंद्र जी मैं कहना चाहता हूँ जो नदवई से एमएलए हैं और जो उनके लड़के हैं उनको जबरदस्ती उनका एक पर्चा जो बसपा का था विड्रॉ करा लिया गया जबरदस्ती, उसको ले जाके मारपीट करके पुलिस ले गई थाने में और एक एक उसका खारिज कर दिया बीजेपी वाले का, और ऐसे ही इन्होंने निर्विरोध अपने जैसे कामा में करा लिया, ऐसे इन्होंने यहाँ पीपला में करा, पीपला के हैं हमारे जो सुभाष गर्ग हैं उनके परिवार के हैं एक पंचायत सदस्य का, उनको निर्विरोध करा लिया, तो इन्होंने जबरदस्ती कराया। मैं कहना चाहता हूँ पहले जो चुनाव हुए 33 जिलों में जो चुनाव 33 में 21 जिलों में चुनाव हुए वहां 14 पे बीजेपी आई 5 पे कांग्रेस आई, ऐसे ही प्रधान जो है 352 में से 222 जगह चुनाव हुए 102 पे बीजेपी थी और केवल 98 में ये सदस्य आए थे इनके कांग्रेस वालों के, ऐसे जलापड़ सदस्य जो 1014 में से 636 के चुनाव हुए थे 353 बीजेपी आई 253 कांग्रेस आई। इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ ये इनके जो कहने में अब इनको पता लग जाएगा कि कितने जगह हम जिला परिषद जिला प्रमुख बनाएंगे कितने प्रधान बनाएंगे, हम अभी भी मेजर 2/3 के हिसाब से हम फिर वापस प्रधान और जिला प्रमुख पंचायत सदस्य ये बना के रहेंगे। परसों कहाँ लग रहा है डर, कहाँ लग रहा है अभी, हमने कोई डर नहीं है, हमें ये डर है कि जो कांग्रेस कमजोर स्थिति कहाँ लग रही है, कमजोर स्थिति हमने इतना है कि ये ईमानदारी चुनाव होना नहीं देना चाहते, उनमें जबरदस्ती करना चाहते, हमारे सदस्यों को जबरदस्ती उठा के ले जाना चाहते, हमने वैसे व्यवस्था की है पूरी कि किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हो, पर इसके बावजूद भी प्रशासन का दुरुपयोग करके पुलिस का पुलिस को साथ लेकर के सदस्यों को उठाने का काम ये कर रहे हैं, सारा काम ये कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने प्रशासन का पूरा जो सरकार का फायदा है कि आज हम सत्ता में, सत्ता का दुरुपयोग करके कैसे भी हमको एन प्रकीर्ण हमको वापिस प्रधान और जिला प्रमुख और ये हमको बनाने हैं अपने जबरदस्ती बनाना चाहते हैं, इनको पता लग जाए अभी पिछली चुनाव हुए पंचायत उसमें भी बीजेपी आई और फिर बीजेपी आने वाली है निश्चित रूप से इनका, और ये चेहरा सामने है। आप इनमें मैंने बताया कि जो एमएलए का लड़का जबरदस्ती निर्विरोध करा लिया कि हम प्रधान बना लेंगे, और कहीं घर का भी मैंने बताया जो मंत्री है सुभाष गर्ग जी उनके भी परिवार का मामला वो भी निर्विरोध कराया ना कामा से जो एमएलए अक्सर देखा जाता है। राजेंद्र जी ऐसे आरोप अक्सर लगाए जाते हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, कांग्रेस आप लोगों पे लगाया करती थी जब आप सत्ता में थे, तो सच्चाई क्या है इसके, पुलिस टूल की तरह काम कर रही है प्रदेश में, चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, जितने भी अधिकारी एसडीएम लगे हुए हैं इनके चुनाव अधिकारी जितने भी लगाए हैं हर पंचायत समिति, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में सच्चाई क्या है, और तकलीफ होती है आप जैसे धरती से जुड़े लोग हैं, ये आरोप जो आज आप लगा रहे हैं केवल भाषा और चेहरे बदल रहे हैं, वही आरोप कांग्रेस लगाया करती थी जब आपकी सरकार थी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, आज वही हो रहा है, आपके वक्त भी कुछ एमएलए के किसी का बेटा किसी की धर्मपत्नी ऐसा तो हमने बीजेपी के टाइम में नहीं हुआ। आप बीजेपी ने ये क्या होगा, चलो हमारे पक्ष में वोट दे दो, ये तो ये हमारे वो है, बाकी कोई जबरदस्ती बीजेपी ने कभी किसी नहीं कि ले जाके पुलिस थाने में मारपीट करके उसके पक्ष में बंटरो कराने का काम किया हो और प्रशासन से हमारा बीजेपी का खारिज करा दिया हो, ऐसा बीजेपी ने कभी नहीं किया। मामला सामने आया क्या पुलिस ने किसी कैंडिडेट के साथ मारपीट करके, वीडियो है, वीडियो वायरल हुआ है बाकायदा, और मैं आप चाहो तो वीडियो भी मैं आपको भी दिखवा दूंगा, मंगवा के आपके यहाँ भिजवा दूंगा ऑफिस में, शेयर कर सकते हैं अगर ऐसा वीडियो किसी कैंडिडेट के साथ में, क्योंकि ये बात आई नहीं है सामने, दबाव की बात हो सकती है जो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि ये देखिए साहब सच्चाई ये है। नहीं, उन्होंने जिला कलेक्टर को एसडीएम को चुनाव अधिकारियों को हमारे लोग जाके मिले उनसे कि इस तरह चुनाव कराओगे तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है, आप तो वैसे ही करो ना, आप सत्ता अपना आप जबरदस्ती खुद ही फॉर्म भरो खुद ही सब काम करो, लेकिन अब आगे क्या, हमने पूरी तैयारी की है कि हमारा कोई भी कैंडिडेट इधर उधर नहीं जाए, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल हम आश्वस्त है कि अब हमारा कोई भी कैंडिडेट इस तरह नहीं जाएगा, और हम तो ईमानदारी से चुनाव चाहते हैं कि हमारे तो ईमानदारी चुनाव हो, हम सत्ता में आएंगे, वापिस हमारे बीजेपी के जिला प्रमुख प्रधान बनेंगे निश्चित रूप से। चलिए राजेंद्र आर्य साहब आपके पास आना चाहूंगा, अभी आपने राजेंद्र मीणा जी को सुना कि मारपीट करके
फॉर्म विड्रॉ कराए गए, यही डर है कि बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है हमें, ताकि हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं जो जीत करके आएंगे उन्हें लेकर के ना चले जाएं। योगेंद्र जी, मैं आपको जोधपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ। सैरगढ़ विधानसभा के अंदर इनके 3 प्रत्याशी एकदम से वॉकआउट हो गए थे। अब वो क्यों क्यों हुए थे उसके लिए इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। वहां के जो पूर्व विधायक और जो स्थानीय सांसद है, जो केंद्रीय मंत्री भी है, उनके बीच में जो आपसी जो गुटबाजी चल रही है उसकी वजह से हुए, तो ये उसमें तो बात करना नहीं चाहते। अब जो कैंडिडेट अपने मर्जी से जा रहे हैं या जा रहे हैं उसके लिए इनको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। चुनाव अब संपन्न हो चुका है। एक आरोप लगाया इन्होंने, भरतपुर का एक आरोप लगाया, चलिए खैर वह वक्त नहीं है, वो तो वक्त निकल चुका, लेकिन ऐसे घटनाओं से डरी हुई है बीजेपी की। ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। मैं यहाँ बराबर ये बात कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी कि इस देश के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा जो महंगाई की मार पड़ी हुई है, खाद्य पदार्थों की महंगाई है। सरसों का तेल 195 रुपए में बिक रहा है, रिफाइंड तेल 157 में बिक रहा है, आपका पेट्रोल डीजल आपके सैकड़ा पार कर चुका है, डीजल 100 के आसपास है और पेट्रोल आपका 110 है। गैस सिलेंडर के ऊपर ही कल 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जयपुर में 888 रुपए का सिलेंडर हो गया। राजस्थान में 25 सांसद जीत के गए और केंद्र में भी इनके पूरे 303 भाजपा के सांसद हैं। ये सरकार से या मोदी जी से बात क्यों नहीं करते? देश को महंगाई की मार पड़ी हुई है बुरी तरीके से। कोरोना के बाद में इस देश को रोजगार मिले नहीं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा करके आए थे, वो रोजगार दिए नहीं, रोजगार छिन गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, किसानों की स्थिति, किसान 8 महीने से सड़कों पे बैठे हुए, ये बातें करते हैं इधर उधर की। अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेके आए, उसके अंदर जो हमारे सरकारी संस्थान है या पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स है उनको ये बेचेंगे, मतलब हाईवे बेचेंगे, मतलब हवाई अड्डे बेचेंगे, रेलवे स्टेशन बेचेंगे, तमाम तरीके के जो प्रतिष्ठान बेचेंगे, ऐसा बेचने वाली सरकार आपने कहीं देखी है क्या? आज आम जन का, आपका, हमारा सबका, भाई करोड़ों लोगों का पैसा लग के टैक्स के रूप में जो पैसा अब ये देश खड़ा हुआ, वो सारा का सारा बेचने में, चंद पूंजीपतियों का फायदा कराने में ये सरकार लगी हुई है। तो ये भाजपा प्रतिनिधि को बताना चाहिए कि ये वास्तव में हो क्या रहा है। वोटर इतना देख के चलता है क्या राजेंद्र जी? वोटर इतना सत्तौन के चलता है? वोटर साहब इनकी बात पे विश्वास करने वाला नहीं है वोटर। इन्होंने जो झूठ बोला किसानों के फसल लग जाएगा, परसों इंतजार करिए आप योगेंद्र जी, परसों का इंतजार करिए आपको पता लग जाएगा। इन्होंने जो किसानों की बात करते हैं इन्होंने कहा संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के भाव कम हुए योगेंद्र जी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पिछले 4 महीनों में क्रूड ऑयल के भाव सबसे न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन ये सरकार मतलब ये पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं क्यों नहीं करती? जब चुनाव आते हैं जब ये कम कर देते हैं और जब चुनाव बढ़ाते जाते हैं आज कम से कम 25 से 30 रुपया एक्स्ट्रा ये आम उपभोक्ता से ले रहे हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए। सिलेंडर के समय कम है, चले मैं आपकी सरकार से कहना, आपकी सरकार से कहना चाहता हूँ गहलोत जी से कि आप क्यों नहीं करें 10 रुपए यहाँ बैठ कम करो ना। आप यूपी और हरियाणा की, आपसे मैं कहता हूँ राजस्थान की सरकार, राजस्थान की सीमा से लगी हुई हरियाणा और यूपी, ₹10 प्रति लीटर का अंतर है, आप करिए ना बैठ कम। मैं रोकना चाहूंगा मैं महेश शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जिन बातों के दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से कि मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियां, उनका आमजन में विश्वास, राजस्थान सरकार की पॉलिसी के बारे में अभी आपने सुना राजेंद्र आर्य साहब बता रहे हैं, यह मैं जानना चाहूंगा कि क्या पंचायत चुनाव या लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जनता इतना ध्यान दे पाती है कि हाँ क्या महंगाई है, क्या फ्यूल प्राइस है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी पॉलिसीज क्या है, इतना को ध्यान देता है क्या इसमें? या बिल्कुल ये कहें कि उसमें रिलेशंस आपके काम आते हैं कि क्लोज नेबर कौन किसके है उसमें, ये सारी चीजें दिखाई देती। क्यों मैं ये इस वजह से कह रहा हूं, जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हमारे कई साथी राजनीतिक दलों के यही कहेंगे अगर रिजल्ट 19-20 होता है तो कि ये लोकल चुनाव होते हैं, इसमें सरकार की योजना का कोई महत्व नहीं, ये भाषा बदली हुई नजर आएगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कुछ असर होता है, भाषा बदल जाती है? ये तो चुनाव के बाद तो जो जीतता है वही अपने अपने हिसाब से अपने अपने नेताओं की अपने अपने चुनाव घोषणा पत्रों के बारे में बात करता है। हकीकत ये है कि पंचायत हो चाहे स्थानीय जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों के अंदर एक सबसे बड़ी जो है हमारे यहाँ जातिवाद ज्यादा चलता है। जातिवाद के अलावा फिर ये रहता है कि क्षेत्र में हमारा मतलब दबदबा बना रहे,
और ये उसके आधार पर टिकट भी उन्हीं के आधार पर दिए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें इतने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे या वगैरह राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो हमेशा लोकसभा चुनावों में चलते हैं या विधानसभा चुनावों में चलते हैं, लेकिन इसके नीचे वाले जितने भी चुनाव हैं उनमें हमेशा क्षेत्रीयता, वहाँ की जन समस्याएं और वहाँ के जो जातिगत समीकरण और मौजूदा जो जो भी रहे हैं वहाँ पे जो प्रतिनिधि उनके प्रति रोष किसका था, जब अगर वहाँ बीजेपी का कोई है तो उसके प्रति कैसा रोष है, उसके मतलब क्या कहता है उसके प्रति मतलब क्या धारणा है, और उसी तरह से अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस के प्रति उस कैंडिडेट का क्या धारणा बनी हुई, इन सब चीजों को लेकर के ज्यादा महत्व ज्यादा वो कारक जो है वो कारगर साबित होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव बहुत सारे मायने रखते हैं और कुछ क्लोज रिलेशंस, गांव का किस गांव का आज तक वो नहीं बन पाया, अब की बार पंचायत समिति सदस्य बनेगा, उस जाति का प्रधान बन जाएगा, एमएलए इस जाति का बना है, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा आज जो चर्चा का बिंदु एक था वो ये था कि राजनीतिक दलों का भरोसा टूटा हुआ है। भरोसा इस वजह से टूटा हुआ, दावा चाहे कुछ भी करें, भरोसा और विश्वास दोनों डगमगाया हुआ है। नीति बाड़ेबंदी नहीं होती है, बाड़ेबंदी की वजह कुछ पहले के पूर्वाग्रह यानी कि पहले के जो एक्सपीरियंस हैं वो यहाँ शेयर नहीं करना चाहते हमारे साथी, लेकिन हालात यही हैं। पहले जैसे होता ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक दे दे के पीता है, वो स्थिति राजस्थान की राजनीति की हो गई। यही बड़ी वजह है कि बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। अपनों पर भरोसा नहीं है कि पता नहीं पैसे लेके कौन कहाँ उठ चलेगा, और ऐसा हुआ भी है। हम राजनीतिक दल संख्या गिनते रहे, बोर्ड किसी और का बन गया, पंचायत के चुनाव तक में बाड़ेबंदी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो बाड़ेबंदी बिल्कुल, राज्यसभा का चुनाव हो और ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, बाड़ेबंदी सरकार के लिए भी होने शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं, 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दावे अपनी अपनी तरफ से हैं और दावों की हकीकत क्या रहेगी 4 तारीख को आने वाले परिणाम तय करेंगे। लेकिन फिर भी एक बात और कहना चाहूंगा, वह परिणाम भी फाइनल नहीं है, वो जीतने के कैंडिडेट्स के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों को उन परिणामों पर भरोसा नहीं होगा। जो कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि दोनों ओर से ये कहा जा रहा है कि बोर्ड हमारा बनेगा, रिजल्ट कुछ भी रहे, तो अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तैयारियां कितनी हैं और हॉर्स किस ओर दौड़ेंगे, ये तभी तय होगा कि वास्तव में मेजोरिटी थी नहीं और चेहरा किसके बन गया, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया सविता, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।